नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। अजमेर रेल मंडल से चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जन शताब्दी एक्सप्रेस मंगलवार सुबह 5:40 पर अजमेर से रवाना हो गई। अधिकारियों ने ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड को माला पहनाकर रवाना किया। पहले यह ट्रेन डीजल इंजन से चलती थी। रेलवे बोर्ड की ओर से इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए पिछले दिनों अनुमति दी गई थी। ये ट्रेन सोमवार रात दिल्ली सराय रोहिल्ला से अजमेर रेलवे स्टेशन तक इलेक्ट्रिक इंजन के जरिए ही आई थी। जानकारी के अनुसार सोमवार को ट्रेन संख्या 02065 दिल्ली सराय रोहिल्ला से शाम 4:15 रवाना होकर रात 10 अजमेर पहुंची। मंगलवार को ट्रेन 02066 सुबह 5:40 पर रवाना होकर सुबह 11:35 पर दिल्ली सराय रोहिल्ला पहुंचेगी। ट्रेन का अजमेर से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना, नारनौल, रिवाड़ी, गुड़गांव, देहली कैंट में पूर्व की तरह ही ठहराव रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। ये ट्रेन अजमेर के तत्कालीन सांसद एवं केंद्रीय संचार राज्य मंत्री सचिन पायलट के प्रयासों से शुरू हुई थी। तब इस ट्रेन का नाम दुरंतो एक्सप्रेस था। इसके बाद में जन शताब्दी एक्सप्रेस का नाम दिया गया। लॉकडाउन के बाद से ये स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही है। फिलहाल ये ट्रेन सप्ताह में 5 संचालित हो रही है। इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाने से रेलवे को फायदा होगा। 24 डिब्बों की एक पैसेंजर ट्रेन को इंजन से चलाने में प्रति किलोमीटर 480 का खर्च आता है, जबकि इलेक्ट्रिक इंजन में यह खर्च 250 का ही होगा। इससे रेलवे का 230 प्रति किलोमीटर का खर्चा कम होगा। इससे सफर में समय की कमी भी होगी। किराए और कोच की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सोमवार रात दिल्ली सराय रोहिल्ला से अजमेर जन शताब्दी एक्सप्रेस अपने तय समय से आधे घंटे पहले ही पहुंच गई। ट्रेन को रात 10:35 पर अजमेर पहुंचना था, पर ट्रेन रात 10 ही अजमेर आ गई। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।